अस्सलाम वालेकुम सारे शकीनां नूं की हाल चाल ठीक हो खैर खरीयत है चैनल तुसी वेखदे पे हो बास सील ऑफिशियल वीडियो अज दी बना रहे हैं। एक दोस्त ने मैसेज किया सी कि ए दसो जी मुर्गा जदों पेड़ च लड़ा के घर लियाना है उनकी ट्रीटमेंट की करनी है उन्हूं किस तरह संभालना है उन्हूं की खवाना है रात नूं ते ए अज तुहानूं दसांगा कि मुर्गा जदों तुसी पेड़ चों लड़ा के घर लैणा है उन्हूं किस तरह संभालना है उनकी की ट्रीटमेंट करनी है। वीडियो बड़ी अहम है तो सवाल भी बड़ा दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल पूछिया तो इंशाल्लाह अज दसांगा तुहानूं मज़ा आएगा वीडियो पूरी वेखनी जे तुहाडा जानवर ज़ाया नहीं होने लगा तो नाले मेरा जिहड़ा मकसद हुंदा है वीडियो बनाउण दा नवें शकीनां वास्ते हुंदा है उहनां नूं इहनां चीज़ां दा नहीं पता हुंदा उन्होंने जानवर जाया होंगे ने पुराणियां नूं सारा पता होंगे नवयां नूं इन्हां चीज़ों का नहीं पता होंगे तो नाले ये भी गौर करना है कि जिहड़ी मैं अज चीज़ नुकसा दसांगा पहले किसी ने नहीं दस्या होगा इंशाल्लाह एक ग्रंटड कार्ड जे यूट्यूब पर पहले किसी ने नहीं दस्या होगा क्योंकि मैं जिहड़ी भी वीडियो बनाना हुंना ना कोशिश करना हुंना कि अच्छी तो अच्छी कोई चीज़ दसा कि तुहाडा टाइम जाया ना हो मेहनत जाया ना हो। अच्छा करना जनाब जी तुसी ये वे कि जेड़ा मुर्गा तुसी पेड़ च लड़ा लिया है फारग हो जाएगा जित गया या हार गया फारग हो गए जे उन्हूं की करना है बत्ती मारनी है सदूकड़ी वाला उत्थे बैठा हुंदा है जेड़ा गाले पानी करदा उनके कोलो जनाब जी बत्ती लै के मारो नहीं तो बत्ती तुहाडे कोल होनी चाहीदी है या किसी कोलो ले लो बत्ती लाजमी उत्थे मार लैनी है उनके तों बाद मुर्गे नूं लपेट लैना अगर तो मोटरसाइकिल का सफर है तो फिर अच्छी तरह लपेटना है गड्डी चा रहे जे तो फिर नॉर्मल भी होएगा तो कोई गल नहीं उत्ते आम को कपड़ा पा लो ठीक हो गया जी मोटरसाइकिल की हवा तो बचाना है क्योंकि उन्हें तो हवा बहुत बचती है उन्हें तो मुर्गे नूं पूरा तुसीं पैक करके लियाना है उन्हें हवा ना लगे घर लिया के दो गिलास पानी तो गर्म कर लवो दो गिलास पानी तो गर्म कर लवो छोटा जिहा टुकड़ा फटकड़ी का उन्दे च पा लवो फटकड़ी नहीं है नमक पा लो थोड़ा जिहा ठीक हो गया दो चूंडियां तीन नमक पा लवो फटकड़ी पाओगे तो अच्छी चीज़ उन्दे नाल जरासीम जिन्ने होंदे ने जख्मां नूं जल्दी ठीक हो जांदे ने जदों उन्दा पानी लगदा ठीक हो गया जरासीम कोई भी होंदे ने मर जांदे ने सफेदा नहीं होंदा फटकड़ी का ज़्यादा फायदा है। अच्छा वो जनाब जी गर्म पानी कर लेना गर्म पानी कोल रख लेना टाकी एक छोटी जी लै लेनी है मुर्गा झोली च रख लेना उस पानी च भे भे के मुर्गे का जिहड़ा चेहरा अच्छी तरह साफ करना उत्ते खून ना लगा होवे चुंझ अच्छी तरह साफ करनी है चंगी तरह जनाब जी चेहरा साफ करो गर्दन इस जगह के उत्ते इत्थे भी गिल्ली टाकी मार के इत्थों भी खून साफ करो फिर लत्तां जिहड़ियां ने उन्हां नूं भी अच्छी तरह साफ करो खून नहीं लगा रहना चाहीदा ये जनाब जी तुसीं उस पानी दे नाल ही इहदा सारा काम करना गर्म पानी दे नाल धोन तो बाद मुर्गे नूं खुशक कपड़े नाल तुसीं चेहरा लत्तां खुशक कर देनी है मुर्गा तुसीं पिंजरे च बंद कर देना उहदे तों बाद की काम करना हुण ओह सुणो इत्थे ना वीडियो बंद कर देना कि बस जी मुक गया काम काम अजे अगे भी है ये अजे दस्या कि उहनूं लिया के साफ किस तरह करना उहनां नूं खवाना की है खवाण वास्ते जनाब जी तुसीं तीन चार चम्मच आटे दे तीन चार चम्मच मुर्गा कोई छोटे होंगे ने कोई वड्डे होंगे ने मुर्गे के हिसाब के नाल लेकिन उन्ना क करना है कि मुर्गे का पोटा फुल नहीं भरना खिचवा उन्हें खुराक देनी खिचवी यानी कि थोड़ी जी तीन चार चम्मच आटे के भुन लवो आटा ब्राउन हो जाए उनके छोटी चम्मच अद्धी हल्दी की पा लवो छोटा जिहा टुकड़ा एडा कूजा मिश्री का कुट के विच पा लवो कुट के बरीक करके कूजा मिश्री उस आटे मिक्स कर दियो अद्धी चम्मच छोटी हल्दी दी मिक्स कर दियो इहनू जनाब जी मिक्स कर लो चंगी तरह उहदे तों बाद अगर देसी घिओ है एक चम्मच तुसीं उह पाणी है देसी घिओ एक चम्मच उहदे च पाणी है अगर देसी घिओ नहीं है फिर तुसीं जनाब जी शहद दे विच गोलियां बना लैणियां ने शहद पाणा शहद पा के ते जनाब जी उहनू इस तरह गुन के आटे उहदे विच गोलियां बना लो शायद इन्ना क पाणा है वह गोलियां बना के रख लवो
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਮਾਰੋ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕਾ ਮਾਰੋ, 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੇਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੁਰਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਥੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਥੱਕਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਈਟ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਖਵਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੁਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਖਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਰਸ ਖਵਾਓ, ਕੋਈ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਰਾ, ਕਣਕ ਕੋਈ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਨਰਮ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੁਬਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖੋ 2-3 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਸੇਕਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੇਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈਏ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।